हेलो फ्रेंड्स, आज जो आज तुहानू लेके चलिए ग्रैम्पियंस जो कि मेलबर्न सिटी तो 3 घंटे की ड्राइव पर है। असी इस वीडियो विच नॉर्थ ग्रैम्पियंस नू एक्सप्लोर करांगे ते मेनली हॉल्स गैप एरिया। ये मेलबर्न की बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन विचों है। असी इत्थे प्लांटेशन कैंपग्राउंड विच 2 डेज़ कैंपिंग करांगे जो कि हॉल्स गैप विच पैंदा है। इस कैंपग्राउंड तक पहुँचने लिए तुहानू 7 किलोमीटर की ग्रेवल रोड मिलेगी जो कि 2-व्हील ड्राइव के लिए सेफ है। यह कैंपग्राउंड फ्री कैंपग्राउंड है जिथे बुकिंग की लोड नहीं है। इत्थे ड्रॉप टॉयलेट्स एंड शॉवर की फैसिलिटी भी है। इत्थे मोर दैन 100 टेंट्स अकोमोडेट हो जाते हैं पर सिर्फ 30 साइट्स से ही फायर पिट अवेलेबल है। इस कैंपग्राउंड तो तुहानू माउंटेन्स, ट्रीज ते सनसैट का बहुत ही सोहना व्यू देखने को मिलेगा। ट्रिप के पहले दिन विच असी 5 लुकआउट्स कवर करांगे। आओ हुण तुहानू नाल नाल उन्हां लुकआउट्स ते लैके चलिए ते वीडियो दे एंड विच असी तुहानू पहले दिन दा डिटेल्ड ट्रैवल मैप दिखावांगे। डे 1 दी साडी पहली लोकेशन मैकेंजी फॉल्स है ते आओ हुण तुहानू इत्थे दे व्यूज दिखाईए। इत्थे तुहानू कार पार्क दे कोल टॉयलेट फैसिलिटी ते पिकनिक ग्राउंड भी मिलेगा। इत्थे तुहानू एंट्रेंस ते साइन बोर्ड मिलेगा जिन्हानू फॉलो करके तुसी डिफरेंट लुकआउट पॉइंट्स वाल जा सकते हो। बट इत्थे दी मेन अट्रैक्शन मैकेंजी फॉल्स है जेड़ा कि 1 किलोमीटर की वॉक करन तो बाद आएगा। फॉल्स तक पहुंचने लिए तुहानू बहुत सारे ट्रैक्स ते स्टेप्स कवर करने पैणगे। हुण असीं पहले लुकआउट पॉइंट ते पहुंच चुके हाँ ते तुसीं इत्थों मैकेंजी फॉल दे व्यू नू इंजॉय कर सकते हो। इस लुकआउट पॉइंट तो मैकेंजी फॉल दे बेस तक जाने लिए 400 मीटर की वॉक है जिदे विच अराउंड 260 नैरो स्टैप्स हैं जो कि काफ़ी स्टीप हैं, इसलिए वापसी का रास्ता थोड़ा औखा लगेगा। मेक श्योर तुसी इनफ पीन वाला पानी लेके जाओ। जिदा कि यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड ए लॉन्ग वीकेंड ते पब्लिक हॉलीडेज विच बहुत ही बिजी हुंदा है। जे तुसी ग्रैम्पियंस नू पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मेक श्योर कि तुसी इनफ टाइम लेके आओ क्योंकि इत्थे कार पार्क लभण नू टाइम लग सकता है। चार सौ मीटर की स्टीप वॉक करन तो बाद हुण असीं मैकेंजी फॉल दे बेस ते पहुँच चुके हाँ ते इत्थों दी फॉल दा वी बहुत ही सोहना दिख रहा है। पानी नूं देख के तुहानूं इत्थे स्विमिंग करन दा मन करेगा पर अनफॉर्चुनेटली स्विमिंग इत्थे अलाउड नहीं है। बट फोटोग्राफी करन लई इह लोकेशन बहुत ही वधिया है। मैकेंजी फॉल्स नूं एक्सप्लोर करन तो बाद हुण असीं अपनी अगली लोकेशन रीड लुकआउट ते पहुँचे हाँ जिथों की तुहानू ग्रैम्पियंस नैशनल पार्क का बहुत ही सोहना व्यू देखने को मिलेगा। जे तुहानू हाइकिंग का शौक है तो तुसी रीड लुकआउट पॉइंट तो 1 किलोमीटर की वॉक करके नैक्सट लोकेशन द बालकनीस वल जा सकते हो। रस्ते विच तुहानू बहुत सीनिक व्यू मिलेंगे जिथे तुसी फोटोग्राफी ते वीडियोग्राफी कर सकते हो।
आओ असी हुण तुहानूं द बालकनीज़ दे लुकआउट पॉइंट तक लैके चलिए। एक किलोमीटर की वॉक नू इंजॉय करन तो बाद हुण असीं द बालकनीज़ लुकआउट पॉइंट ते पहुँच चुके हैं ते तुहानूं ग्रैम्पल नैशनल पार्क का इत्थों भी बहुत ही सोहना व्यू देखने मिलेगा। कुछ टाइम इत्थे स्पेंड करन तो बाद हुण असीं अपनी नैक्सट डेस्टिनेशन वल जावांगे। हुण असीं अपनी अगली लोकेशन ब्रोका लुकआउट पॉइंट ते पहुँच चुके हैं जो कि कार पार्क तो 100 मीटर की वॉक तो बाद आता है। तुहानूं इत्थे कार पार्क के कोल ही टॉयलेट की फैसिलिटी भी मिलेगी। ब्रोका लुकआउट नूं एक्सप्लोर करन तो बाद हुण असीं अपनी अगली लोकेशन लेक बेलफिट ते पहुँचे हाँ ते इत्थे दी लेक ते माउंटेन्स का व्यू बहुत ही सोहना है। इत्थे बैठ के असी अपना लंच इंजॉय किया ते असी फोटोग्राफी ते वीडियोग्राफी की। आओ हुण तुहानूं असी इत्थे दा एरियल व्यू दिखाइए। एरियल व्यू देखने तो बाद सानूं डेफिनेटली लगता है कि तुसी इस एरिया नूं जरूर एक्सप्लोर करना चाहोगे। डे वन च असीं 5 लोकेशनस कवर कीती सी ते आओ हुण तुहानूं असीं डे वन दा ट्रैवल मैप दिखाइए। जे तुहानूं साडी इह वीडियो चंगी लगी तां प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल ते एवरी फ्राइडे असीं तुहाडे लई नवीं वीडियो लैके आवांगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बैल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। तद तक लई सत श्री अकाल।